एक जिसको उसकी बीवी ने डांट करके गेट आउट करके बाहर निकाल दिया। इस वक्त इमरान खान तन बन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हकीकी जंग अब शुरू हुई है। इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पर रहूंगा मैं। इमरान खान को यह बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि वो ताउम्र सड़कों पर रहेंगे। आजादी करवाना चाहते हैं इमरान खान। ये मां सिवाय मुल्क में हंगामा आ रहा है फसाद करवाने के, एक सिविल डिसोबीडियंस मुहिम चलवाने के, और कुछ करने की तमन्ना ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं पाकिस्तान से रिलेटेड एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान जो है अपनी कुर्सी से हट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सिर से कुर्सी का नशा अब तक नहीं उतरा है और वो जगह जगह पाकिस्तान में जलसे करते नजर आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि इमरान खान बहुत जल्द सत्ता में वापस लौटने वाला है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के एक जबरदस्त रिपोर्टर हैं जो इमरान खान के ऊपर बता रहे कि इमरान खान आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ उनके साथ हो सकता है। वीडियो देखकर आपको काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि इसमें ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री और इमरान खान के बारे में काफ़ी कुछ बातें अच्छी बता रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद आप इस पाकिस्तानी पत्रकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या आप इनकी बातों से सहमत है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना। और अगर आपका वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप भारतीय हैं या फिर भारतीयों पर गर्व महसूस करते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जरूर लिखना। तो चलिए मिलकर वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, अगर किसी को उसकी बीवी डांट दे और वो पांव पटकता हुआ खतरनाक होकर के घर से दरवाजा खोल करके मुट्ठियां भींच के बगैर कुछ एक लफ्ज कहे घर से बाहर चले जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहेगा मैं बीवी को भी नहीं रहने दूंगा। तो एक आदमी किसी एक जिसको उसकी बीवी ने डांट करके गेट आउट करके बाहर निकाल दिया, इस वक्त इमरान खान तन बन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गैरत का चूरन बेच करके वो चंद हजार लोग जिसको चंद लाख लोग साबित करने के लिए पाकिस्तान के मुतअद्दिद एंकराने कराम, पाकिस्तान के मुतअद्दिद चंद हजार, आज आप लोगों की डीपी सिर्फ चेक नहीं हो रही है, डीपी चेंज नहीं हो रही है, वरना काम सारे पूरे पीटीआई वाले हो रहे हैं, नून लीग वाले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले हो रहे हैं, मुत्तहदा वाले हो रहे हैं, सिर्फ डीपी चेंज करना बाकी रह गई है इन लोगों के। डीपी चेंज करेंगे और फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाएंगे। इमरान खान क्या खतरनाक होंगे आप मुझे एक बात बताइए, नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान का मुझे क्यों निकाला शुरू हुआ है, झनकार के साथ ईगल नई गीतमाला के साथ उन्होंने पेश किया है। अच्छा। तो वो खतरनाक हो गए। नवाज शरीफ ने खतरनाक होकर के क्या कर लिया था, जीटी रोड पर पे मां सिवाय मुस्टंडों में घूमने के नवाज शरीफ ने क्या किया था, उस एक बच्चे की जान नवाज शरीफ के कानवाय की गाड़ी के नीचे जरूर आकर के चली गई थी, जो नवाज शरीफ को देखने का तमन्ना ही था, जिसके घर मरियम सफदर के शौहर जो थे, आरफीनामा है ना भाई, आरफीनामा है ना, जरा थोड़ा सा तो बोलने देना। अच्छा चले, शहीद जमहूरियत बना करके उसको वहां से घर से निकल आए थे, उसके बाद कोई नहीं गया। यहां इन्होंने तीन चार बातें की, अगर आप कहें तो मैं आपकी इजाजत से कोट करने की तमन्ना रखता हूं। जल्दी से जी जी, कहते हैं गुलामी या आजादी, फैसले का वक्त आ गया। किससे गुलाम है हम, किससे आजादी करवाना चाहते हैं इमरान खान। ये मां सिवाय मुल्क में हंगामा आ रहा है फसाद करवाने के, एक सिविल डिसोबीडियंस मुहिम चलवाने के, और कुछ करने की तमन्ना ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान के लोग बाकायदा पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ बाकायदा मुगलिजात, बाकायदा मुगलिजात बक रहे ट्विटर पे, बाकायदा वो लोग जिनके शो से होकर के इमरान खान की तब्दीली का रास्ता गुजरता था। जब मैं नाम ले रहा हूं, नाम लिए बगैर भी सबके नाम ले रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लोग थे जिनके शो से तब्दीली का रास्ता गुजरता था। वो सारे चाचे मामों की सिर्फ एक ही लाइन है, वो सारे चाचे मामों की इमरान खान की एक ही लाइन है कि ट्विटर पर एक इनकलाब आ रहा है। और भाई मेरे, ट्विटर से कोई इनकलाब आता है, ट्विटर से इमरान खान की हुकूमत जरूर आई थी, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत जो गई है और इस दफा उन्होंने जिस जगह जाकर के सींग मारा है, ये अगली दफा दो तहाई अक्सरियत का ख्वाब इनकी आंखों में चुपता ही रहेगा, चुपता ही रहेगा। इमरान खान कह रहे हैं हकीकी जंग अब शुरू हुई है, इलेक्शन के ऐलान तक सड़कों पर रहूंगा मैं। इमरान खान को यह बताते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि वो ताउम्र सड़कों पर रहेंगे। अब उनको वजीर आजम हाउस के करीब भी आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जाते जाते जो उन्होंने भंड मारा है उनको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जाते जाते निजामे इंसाफ पर थूका है माजल्ला, उन्होंने जाते जाते हमारे कौमी इदारों के मुंह पर एक कालिक मलने की कोशिश की है। एक बयान इमरान खान की जुबानी सुन लीजिए जरा, कहते हैं एक मिनट है। इदारों से पूछता हूं न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत ये डाकू कर सकते हैं, मतलब हमारे इदारे इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उनको इमरान खान की इतनी नन्नी मुन्नी राय की जरूरत है अबाउट आर न्यूक्लियर एसेट्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है पाकिस्तानी पत्रकार अफरीन
किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की लाइव शो के अंदर उनकी ज़बरदस्त बेइज्जती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से ही पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसको गलत ही बोलते हैं। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसके अंदर ये हमेशा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे पहले थे तो उनको खुलकर उनके काम के बारे में बताते थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उनकी रिकतों के ऊपर उनको खुलकर तंज भी कसते थे। लेकिन आज जब इमरान खान सत्ता में नहीं है और इस तरह से वो स्पीच दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये बता रहे हैं कि इनकी इन हरकतों को लेकर पाकिस्तान में जल्द ही बड़े दंगे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहे हैं उसे लग रहा है कि पाकिस्तान में कहीं